सो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube के नए ब्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके और अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव मेहता मंदिर के अंदर। तो यहाँ से अपना पोर्टल का जो डिवाइस लॉगिन करता हूँ, जैसे मुझे ट्रिप आएगा मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप और ड्रॉप लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। सो फाइनली गाइस, अभी मुझे आ चुका है पोर्टल पे ट्रिप और इसका जो पिकअप लोकेशन है ना कामा स्टेट में और इसका जो ड्रॉप लोकेशन है मरोल में। तो चले चलते अभी सर पिकअप लोकेशन पे, जो भी मटेरियल है फटाफट लोड करा लेंगे फिर निकल जाएंगे अपने ड्रॉप लोकेशन पे, ठीक है। पूरा कलर का ही है क्या? सो हे गाइस, फाइनल अभी लोडिंग हो चुका है और मैं अभी निकल रहा हूँ सीधा ड्रॉप लोकेशन के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना है मित्तल इंडस्ट्री में मरोल में। तो चले चलते भी सीधा ड्रॉप लोकेशन पे मिलते, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। अपना ड्रॉप लोकेशन है, तो फाइनली गाइस अभी मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। देखता हूँ यहाँ से रिटर्न ट्रिप मिला तो ठीक है, नहीं तो जो भी रहेगा पूरा आपको ब्लॉग में पूरा बता दूंगा। वैसे छोटा मोटा ट्रिप आएगा ना वैसे वो भी मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग एंड तक देखते रहो, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हे गाइस, अपना लोडिंग हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। सो हे गाइस, अभी मैं लिफ्ट में हूँ, छठवें फ्लोर पे जाना है, इसीलिए मुझे छोड़ना है। भाई ये छोड़ने का ना सिर्फ मैंने 100 रुपए चार्ज किया कस्टमर से। भाई देखो फ्री में कुछ काम मत करो भाई, सच्ची में। तो फटाफट इसको डिलीवर करता हूँ फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस, मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और जैसे ही गाइस मैंने ट्रिप एंड किया ना वैसे मुझे पोर्टल पे ट्रिप आ गया। उसका पिकअप लोकेशन है ना जस्ट 200 मीटर भी है अपना घाटकोपर ईस्ट में और उसका ड्रॉप लोकेशन है घाटकोपर वेस्ट में। भाई ऐसा लग रहा है मैं पूरा भाई दिन भर पूरा घाटकोपर और मरोल में ही घूमने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे ट्रिप मार के बोलते ना बड़ी अमाउंट एक खड़ी करेंगे। तो चले चलते अभी सीधा पिकअप लोकेशन पे, ठीक है। वही गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे जैसे कि आप देख सकते हो। सो वही गाइस, फाइनली अभी मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और गाइस मैं अभी ड्रॉप लोकेशन से ना 100 मीटर दूर पे ही खड़ा हूँ। देखता हूँ यहाँ से ट्रिप मिला तो ठीक है, फिर नहीं तो देखते हैं जो भी रहेगा फिर आपको ब्लॉग में पूरा बता दूंगा। फाइनली गाइस, अभी मुझे आ चुका है ट्रिप। गाइस मुझे ना लखन ने ट्रिप दिया है, वो भी प्राइवेट ट्रिप है और इसका जो पिकअप लोकेशन है ना घाटकोपर वेस्ट में, इसका ड्रॉप लोकेशन है गोरेगांव ईस्ट में। तो चले चलते भी सीधा पिकअप लोकेशन पे, बोलते ना गाइस लाइक लक है ना, लक बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलते फटाफट पिकअप लोकेशन पे, फटाफट मटेरियल लोड कर रहे और फिर निकल जाएंगे अपने ड्रॉप लोकेशन के लिए, ठीक है। सो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन में। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना वही मुझे लेके जाना है गोरेगांव ईस्ट में, ओवर इंटरनेशनल स्कूल है ना वहाँ पे अपना ड्रॉप लोकेशन है, ठीक है। ये टेप का मस्त है, टेप का मस्त है। हाँ अच्छा, तो जैसे कि देख सकते हो गाइस, अब कांच का सामान है, गाड़ी थोड़ा मतलब बोलते ना एकदम स्लो चलाना पड़ेगा। वैसे इतना रिस्क नहीं है, अंदर बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया गया है, टेंशन नहीं इतना। तभी अपना एक फर्ज होता है ना गाड़ी एकदम स्लो चलाने का। तो चले अभी निकलते सीधा गोरेगांव ईस्ट। सो हे गाइस, जैसे कि मुझे ट्राई करना था एक बार टच करके, देखता हूँ इसमें क्या होता है, कांच होता है कि प्लास्टिक है। ओ भाई तो प्लास्टिक निकला यार, मेरे को लगा कांच रहेगा। सो फाइनली गाइस, मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और अभी गाइस मैं हूँ गोरेगांव ईस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अभी मैं खाना खा लेता हूँ। गाइस मैंने बोलते ना घाटकोपर में जाना, मैंने खाना खाया नहीं, वैसे मैं निकल गया अपने ट्रिप के लिए क्योंकि कस्टमर को जो अर्जेंट देना था अपने को मटेरियल, इसलिए तो अभी खाना खा के फिर वापस पोर्टल पे लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मुझे ऑर्डर आएगा ना मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप और ड्रॉप से कहाँ पर है, ठीक है। तो देखते रहो पूरा ब्लॉग एंड तक। सो हे गाइस, अभी शाम के लगभग 6 बज चुके
और गाइस अभी मुझे आ चुका है बॉर्डर पे ट्रिप। इसका जो पिकअप लोकेशन है ना गोरेगांव स्टेशन के पास है, और इसका ड्रॉप लोकेशन है मलाड वेस्ट में चिंचोली बंदर के इधर। तो चले चलते अभी सर पिकअप लोकेशन, तो जो भी मटेरियल का फटाफट लोड करा लेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने ड्रॉप लोकेशन में, ठीक है। सो हे गाइस अभी अपना मटेरियल अभी लोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो एक घास का पूरा शीट अपने को लेके जाना है मलाड वेस्ट में चिंचोली बंदर के इधर। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो अपना जो मटेरियल अभी अनलोड हो चुका है। फाइनली गाइस मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, और ट्रिप का जो फाइनल अमाउंट है ना जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो अभी फिलहाल अभी मैं सीधा जा रहा हूँ अभी सीधा घर पर, ठीक है ना गाइस। अभी 7 बज रही है, तो अभी 5 मिनट बाकी है। पता बोलते ना गाइस आज का मतलब ट्रिप बस हो गया, और मेरा बोलते ना यार बॉडी भी बहुत पेन कर रहा है पता नहीं क्यों, तो थोड़ा मेडिसिन लेके सो जाऊंगा आराम करूंगा, ठीक है ना गाइस। बहुत खंदा दर्द करता है भाई थ्री व्हीलर चलाने में, तो जो चलाता है ना भाई उसको ही पता है, ठीक है। अभी मैं हूँ मित्तल कॉलेज के इधर जो मलाड वेस्ट में। A few moments later. So, hey guys, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं गाइस। अभी मैं नवी मुंबई गया था, अभी नवी मुंबई से आ रहा हूँ। लोगों को बोलते हैं 4:30 बजे गया था नवी मुंबई, कुछ माल वगैरह लेके आया, मैदा वगैरह लेके आ रहा था अपने दोस्त का। मैंने बोला था ना मेरे दोस्त ने चालू किया कुछ मैदा बेसन वेसन का गोरेगांव में, उसको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ गाइस। मतलब क्या ना देखो आज मैं काम आया तो भाई आगे जाके वो भी अपने लिए काम आ जाएगा। वैसे कल बोलते ना कल ब्लॉग तो एंड नहीं कर पाया मैं, तो ब्लॉग आज एंड करता हूँ अपना, ठीक है। तो कल का जो अपना अर्निंग हो चुका है ना गाइस लगभग 2060 रुपये का अर्निंग हो चुका है। जैसे कि जो मैंने फर्स्ट ट्रिप मारा ना उसका 420 रुपये अमाउंट था, और जो मैंने सेकंड ट्रिप मारा ना उसका 370 रुपये अमाउंट था, प्लस मैंने कस्टमर से चार्ज किए थे 100 रुपये, मतलब 470 रुपये हो गया। और जो मैंने थर्ड ट्रिप मारा था ना उसका 320 रुपये हुआ था, और फिर मैंने जो लखन ने जो मुझे ट्रिप दिया ना गोरेगांव का रिटर्न, उनसे मैंने 500 रुपये चार्ज किए। सो लास्ट ट्रिप था ना गैस वो 350 रुपए का ट्रिप था, और लगभग बोलते ना गैस पूरा टोटल मिला के 2060 रुपए का अपना कल का अर्निंग हो चुका है। तो ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो ना आपकी नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।